हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिस्पी चिली पनीर बनाना बताऊंगी। यह बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे। फिर हम लेंगे एक बड़ा बाउल। फिर मैंने ये पनीर लिया है, इसे मैंने बड़े साइज क्यूब्स में कट कर लिया है। इन्हें हम बाउल में डाल लेंगे। हम लेंगे ये 2 टेबल स्पून चावल का आटा, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद में हमने जो ये पेस्ट रेडी करा था वो हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम इसे इस तरह से डालेंगे चारों तरफ फैलाते हुए और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें जो ये चावल का आटा और ये कॉर्नफ्लोर लिया है हमने वो पनीर पर अच्छे से कोट हो जाए। देखिए ये रेडी है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। इसमें मैंने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। ऑयल को गरम होने के बाद में हमने जो ये पनीर रेडी करे थे वो हम इसमें एक एक डालकर इसे फ्राई करेंगे। एक साथ डालने से ये आपस में चिपक जाएंगे। देखिए मैंने ये सभी पनीर इसमें डाल लिया है। मैं इसे 2 से 3 मिनट बाद ही इसे साइड चेंज करूँगी। इसे हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसमें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है। देखिए ये क्रिस्पी और कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसका सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। फिर हम इसमें डाल लेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने सब्जी ली है, कैप्सिकम, मिर्ची और प्याज। प्याज को हमने देखिए इस तरह से काटा है। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे ये कैप्सिकम और मिर्ची। अगर आपके पास में रेड और येलो कैप्सिकम है तो आप इसमें वो भी यूज़ में ले सकते हैं। इसकी सभी सब्जियां क्रंची होनी चाहिए। फिर हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है ये रेड सॉस और 1 टेबल स्पून ये ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे ये टोमेटो केचप। इन सभी सॉस को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और ये मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, मैं इसे इसी तरह से डाल रही हूँ। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी सॉस में थिकनेस आ जाती है, आप देख सकते हैं थोड़ा जाड़ा होने लग गया है। हमारी सॉस रेडी है। अब हमने जो ये पनीर रेडी करे थे वो हम इसमें डाल लेंगे। सभी पनीर को इसमें डालने के बाद में हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये जो हमने सॉस रेडी करा है वो पनीर पर आसानी से कोट हो जाए। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे क्रिस्पी चिली पनीर रेडी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे।